स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा छः में हिंदी का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र ये वही मूल्यांकन प्रपत्र है जो आपके स्कूलों में अब दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए तो इसे जरूर करें और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर एक से स्टूल किसने पकड़ रखा था उत्तर हो जाएगा ब शाम ने किवाड़ किसने खोला उत्तर हो जाएगा अ केशव ने अफसोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पछतावा ब केशव के पिताजी किस कार्य में व्यस्त रहते थे उत्तर हो जाएगा अ पढ़ाई लिखाई में पांचवा है श्यामा की नींद कितने बजे खुली उत्तर हो जाएगा द चार बजे प्रश्न छे है चिड़िया ने कानिस से क्या गिरा दिए प्रश्न नंबर छह का उत्तर हो जाएगा अंडे अगला है माँ ने किसे कमरे में बंद कर दिया था उत्तर हो जाएगा दोनों बच्चों को नादान दो पाठ में किन दिनों की बात की गई है उत्तर हो जाएगा ब गर्मी के दिनों की कोतहल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ब आचर्य श्यामा के भाई का क्या नाम था उत्तर हो जाएगा अ केशव केशव व श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकले उत्तर हो जाएगा अंडों के हिफाजत के लिए हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने ये किसने कहा उत्तर होगा माँ ने पत्र कितने प्रकार के होते हैं उत्तर हो जाएगा दो प्रकार के व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्र किसे कहते हैं उत्तर हो जाएगा मित्र रिश्तेदार को लिखते हैं जो सत्याग्रह कहानी किसने लिखी उत्तर हो जाएगा बॉ प्रेमचंद ने विराम का अर्थ क्या होता है रुकना स वाक्य में थोड़ा रुकना हो कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे उत्तर हो जाएगा अल्प विराम तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा उत्तर तो होगा स प्रश्नवाचक राम बाजार जाता है वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा उत्तर होगा अपूर्ण विराम अरे वाह इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा उत्तर आएगा विष्मादे बोधक तो बच्चों ये तो हमारा हिंदी का द्वित्य मूल्यांकन प्रपत्र पूरा सॉल्यूशन तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद